हिमाचल में विधायकों मंत्रियों के लिए एक एक रुपए की भीख मांगकर उनके यात्रा भत्ते में हुई बढ़ोतरी का कुछ लोगों ने अनूठे ढंग से विरोध किया। बड़का बाऊ नामक लोगों की एक विशेष टीम ने विरोध के अपने इस अनूठे ढंग के माध्यम से व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। इस अनूठी भीख मुहिम के तहत दुकान दुकान जाकर जागरूक लोगों की इस विशेष टीम ने प्रदेश के 68 माननीय विधायकों के लिए एक एक रुपया इकट्ठा किया। भीख के बाद इकट्ठा हुए रुपये को ये विशेष टीम हिमाचल विधानसभा भेजेगी। विरोध जता रही टीम के सदस्यों ने यात्रा भत्ते का अध्यादेश वापस होने तक अपनी मुहिम जारी रखने का दावा किया है। हिमाचल प्रदेश में विधायकों मंत्रियों के यात्रा भत्ते में की गई बढ़ोतरी पर जनता के आक्रोश का बढ़ता ही जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रदेश में सभी 68 विधायकों के यात्रा भत्ते को 2.5 लाख रुपए की वार्षिक से बढ़ा चढ़ाकर 4 लाख रुपए वार्षिक किया गया था। सरकार के इस निर्णय में विपक्ष की भी सहमति रही, लेकिन इस निर्णय से जहां 68 माननीय विधायक प्रसन्न है, वहीं जनता में इस निर्णय के विरुद्ध गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इसी गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए बड़का बाऊ नामक लोगों की एक विशेष टीम ने ऊना में अनूठा ढंग अपनाया। दरअसल इस विशेष टीम ने हिमाचल में विधायकों मंत्रियों के लिए एक एक रुपए की भीख मांगकर उनके यात्रा भत्ते में हुई बढ़ोतरी का अनूठे ढंग से विरोध किया। लोगों की इस विशेष टीम ने विरोध के अपने अनूठे ढंग से माध्यम से देश प्रदेश की व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। इस अनूठी भीख मुहिम के तहत दुकान दुकान जाकर जागरूक लोगों की एक विशेष टीम ने प्रदेश के 68 माननीय विधायकों के लिए एक एक रुपया इकट्ठा किया। भीख के बाद इकट्ठा हुए रुपये को ये विशेष टीम हिमाचल विधानसभा भेजेगी। विरोध जता रही टीम के सदस्यों ने यात्रा भत्ते का अध्यादेश वापस होने तक अपनी मुहिम जारी रखने का दावा किया है। हाँ देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे हिमाचल प्रदेश के 68 माननीय जो विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में एक बिल पास किया है जो कुछ दिन पहले तक 2 लाख उनका जो सैर सपाटे के लिए भत्ता हुआ करता था, तो एकदम से बढ़ा के उन्होंने 4 लाख तक कर लिया है। हमें इसमें ऐसा महसूस होता है कि 4 लाख शायद उन गरीब लोगों को कम ना पड़े, उनकी जो 5 तारा जिंदगी है उसमें वो कम ना पड़े। तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक एक रुपया पूरे हिमाचल में मुहिम चलाया है, एक एक रुपया सभी से भीख मांग रहे हैं और एक एक रुपया इकट्ठा करके उन माननीय को 4 लाख में ऐड कर दिया जाएगा। मेरा देखिए, हमारा विचार ये है कि जब तक सरकार अध्यादेश नहीं लाती है, अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेती है, हम कोशिश करें कि इस मुहिम को तब तक चलाएं। बड़का बाऊ टीम की तरफ से बड़का बाऊ का सहयोग कर रहा हूँ इसमें। जो बड़का बाऊ ने मुहिम चलाई हुई है, एक एक रुपये हम लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं इन विधायकों के लिए, जो इन विधायकों ने अपना यात्रा भत्ता जो इन्होंने बढ़ाया 2,10,000 से सीधा 4 लाख कर दिया, और दूसरे गरीबों का 190 रुपये अगर किसी की दिहाड़ी होती है तो उसकी 7 रुपये बढ़ाते हैं, 197 करते हैं और अपना सीधा 2 लाख से 4 लाख बढ़ा दिया है। औरों के लिए आउटसोर्स वालों के लिए पूछते हैं तो इनके पास पैसे नहीं है, हर चीज़ के लिए इनके पास खजाना खाली होता है और अपने लिए 5 मिनट में टेबल थपथपाकर बिल पास कर लेते हैं। उसी चक्कर में हमने ये मुहिम शुरू की है कि इनकी जो भी अच्छी एक लाइफ जो ये जीते हैं उसमें कोई कमी ना आ जाए। तो हमारी ये है कि हम एक एक रुपये इकट्ठा करेंगे और इनको भेजेंगे विधानसभा। ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक ये लोग अपना फैसला वापस नहीं लेते हैं। वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।